उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनावी दंगल को फतह करने के लिए तमाम दलों ने सियासी गुणा भाग शुरू कर दिया और सभी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी राज्य में महासंपर्क अभियान का आगाज किया है। बीजेपी के कई केंद्रीय नेताओं के धुआंधार दौरे की शुरुआत होने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 15 नवम्बर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आने वाले हैं। इन सबके बीच वहां पर कांग्रेस भी राज्य के तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अब जनता से संपर्क करने के लिए महासंपर्क अभियान का आगाज कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उत्तराखंड में पार्टी के महासंपर्क अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए बीजेपी 1 लाख कार्यकर्ता अभियान से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता घर घर तक जाकर बीजेपी का प्रचार करेंगे। इस अभियान के तहत लोगों से संपर्क साधा जाएगा। यह अभियान 20 नवंबर तक चलेगा। इन्हीं चुनावी तैयारियों के बीच उत्तराखंड की चुनावी सियासत को गरमाने के लिए बीजेपी के कई केंद्रीय नेता 11 नवंबर से धुआंधार दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 नवंबर को 2 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। नड्डा कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा रुद्रपुर में प्रवास कर सकते हैं। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास और जनसभाओं के कार्यक्रम भी लगभग तय हो रहे हैं, जिसका जल्द ही औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस बीजेपी की इन तैयारियों पर तंज कस रही है। उनका भी 2 दिन के कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर होंगे। इसी प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 15-16 में कार्यक्रम प्रस्तावित है, वो कार्यक्रम कुमाऊं में हम लोग करेंगे। अब सभी कार्यक्रम हमारे जनसभा यानी एक पब्लिक मीटिंग बड़ी होगी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हों, चाहे चुनाव प्रभारी के हों और चाहे हमारे मंत्रियों के हों, मुख्यमंत्री जी के हों, प्रदेश के किसी नेता के हों। मुख्यमंत्री तक जा सके अगले 3 महीने में तमाम चुनाव के रैलियां होंगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सरकार का दबाव बनाकर, प्रशासन का दबाव बनाकर हमें राजनीतिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करें। हम उनके राजनीतिक रूप से प्रभावित करने की मनसा को जनता सफल नहीं होने देगी। वहीं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने भी अपनी बाहें चढ़ा दी हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को लालकुआं से काठगोदाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा के खिलाफ मौन उपवास रखकर धरना दिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर उनके कार्यक्रमों को बाधित करने का आरोप लगाते हुए सांकेतिक उपवास तो किया ही, सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर भी लिया। वहीं आम आदमी पार्टी भी राज्य के 21 साल पूरे होने पर कांग्रेस बीजेपी से 21 सवाल पूछ रही है। ये जो NH की दुर्दशा कर रखी है, ये कब का बन करके तैयार हो जाना चाहिए था? इतनी आपराधिक स्तर की उपेक्षा बरेली, हल्द्वानी, काठगोदाम हाईवे की हो सकती है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और सारी दुनिया उत्तराखंड में इसी रास्ते से प्रवेश करती है, नैनीताल प्रवेश करती है। क्या अंदाज हमारे विषय में लगता होगा, सड़कों के विषय में लगता होगा? वर्तमान सरकार को उसकी कुछ भी शर्म नहीं। मुझे लगता है कि हमारे शहीदों ने जो शहीद दिया था, जिस आशाओं के साथ ने दिया था, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। आप देखिए, हमारी राजधानी का कोई डिसीजन नहीं हुआ है और हमारे कोई पलायन रोकने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनी है और हमारी भूमि संबंधी कानून कोई कुछ नहीं बना पड़ा है और बिजली पानी भी कहीं पहाड़ों में अभी तक भी नहीं है और पलायन भी नहीं रुक पा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत बहुत खराब हो रही। कुल मिलाकर चुनावी दंगल को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल एकाएक तैयारियों में जुट गए हैं। साथ ही विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेर कर जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता किसके सिर पर ताज सजाती है और किसे हार का स्वाद चखाती है। लेकिन इतना तय है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। देहरादून से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिष्ट के साथ सुभाष गौड़ की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।